गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से। तो ये देखिए, मेरे पास जो है दूध बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था और दूध को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, बॉईल होने के लिए। मैं बनाने जा रही हूँ दूध से पनीर। दूध को वैसे तो हमें बॉईल करना होता है, पर मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने यहाँ पर दूध अच्छे से गर्म हो चुका था और अब मैंने इसमें डाल दी लस्सी, क्योंकि मैं बना रही जा रही हूँ पनीर, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। वैसे तो दूध में नींबू पड़ता है, दही डाल लो, लस्सी डाल लो, कुछ भी डाल लो तो पनीर बन जाता है। मैं यहाँ पे लस्सी डाल रही हूँ और अब जो है थोड़ी देर में पनीर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, दूध हमारा पूरी तरह से फट चुका है। दूध में से पानी बिल्कुल अलग हो गया है, दूध ज़्यादा हो गया था, बाहर निकल रहा था बर्तन से, तो मैंने दो बर्तन में कर लिया। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने ये बर्तन लिया हुआ है और इस पर इसके ऊपर मैंने कपड़ा बिछा दिया है, कपड़ा रख लिया है, और अब हम इसमें इसको छान लेंगे अच्छे से, कुछ इस तरह से सारा इसको छान लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल देसी स्टाइल में पनीर बन रहा है। हम तो ऐसे ही बनाते हैं गांव में पनीर, आप लोग कैसे बनाते हैं बताना ज़रूर। तो ये देखिए, इसको पूरा छान लिया, पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा इससे, इस बर्तन में रखने से आराम से हो जाता है। तो ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से बांध लेंगे और ताकि पानी पूरा निकल जाए। कुछ इस तरह से, और फिर उसके ऊपर रख लेंगे कोई वज़नदार चीज़ ताकि पनीर अच्छे से बन जाए, पानी सारा निकल जाए। तो ये देखिए, हमने आधे घंटे बाद इसको कपड़े से, पनीर को कपड़े से निकाल लिया। तो ये देखिए, पनीर हमारा बनके तैयार हो चुका है। और ये देखिए, रास्ते का व्यू कुछ इस तरह से, ये सब मैंने कैप्चर किया हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही थी, मतलब बस में ट्रैवल कर रही थी, और रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो कैप्चर कर लेते हैं इसे। तो आप भी देख लीजिए पहाड़ों का व्यू, पहाड़ों की सुंदरता। हर तरफ पानी ही पानी, और ये गांधी चौक है, सामने गांधी जी का स्टैचू, और बारिश बहुत ज़्यादा पड़ी है इस वक्त। हम बस से उतरे तो कहीं भी जाने के लिए नहीं दिखाई दे रहा था, तो बस हम यहीं रुक गए और हमने अपना कैमरा उठाया और लग गए कैप्चर करने। बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ी है इस वक्त।